हाय स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं जर्मनी स्टडी वीज़ा की। ऑल्दो हमने बहुत बार इस टॉपिक पे बात की है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नया होता है। जर्मनी क्यों जाना चाहिए? ऑल गुड कंपनीज, टेक्निकल कंपनीज ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, वेदर इट्स फॉर आईटी और हेल्थ केयर, वो जर्मनी की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छी है। और जर्मनी बेनिफिट क्या है आपको जानने का, क्योंकि जर्मनी इंडिया से नज़दीक है और जर्मनी जो है फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग है कि पूरे शेनेगन और पूरे यूरोप की टाइम टू टाइम जितनी ग्रांट है, जो फाइनेंशियल हेल्प चाहिए वो जर्मनी से जाती है। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आप गूगल करेंगे सब जर्मनी में हैं, और उस इस टाइम उनको प्रोफेशनल स्किल्ड प्रोफेशनल्स की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आपने इंजीनियरिंग से बीटेक किया हुआ है या बीसीए, बीएससी, आईटी कुछ भी ऐसा किया हुआ है, तो आप प्रोफेशनल वीज़ा वन ईयर का अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके साथ स्टूडेंट वीज़ा, अगर आपने खाली इंडिया से प्लस टू के बाद कोई टेक्निकल डिप्लोमा किया हुआ है तो आप जर्मनी जा सकते हैं, क्योंकि जर्मनी को 13 ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए प्लस टू के बाद। तो आपने अगर डिप्लोमा किया है तो नेचुरल 13 ईयर से ज़्यादा हो गई तो जर्मनी में आप एलिजिबल हैं। अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करते हैं तो प्लस टू के बेस पे या तो फाउंडेशन ईयर लेना पड़ता है या फिर आपको कोई टेस्ट देना पड़ता है। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा टेक्निकल किया हुआ है तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं। और फीस 25,000 यूरो टोटल ऑल थ्री इयर्स की फीस, 3 साल की, मतलब आप 8,000 यूरो में जो है आप जर्मनी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो भी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी, जो कि एम्प्लॉयर्स ने क्रिएट की हैं यूनिवर्सिटीज़, जो काम की उन्हें ज़रूरत है। अब कौन कौन से काम की ज़रूरत है? टेक्निकली अगर हम बोलें, क्योंकि जर्मनी टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा है, तो आपको जो है अगर आपने बीटेक की है ऑटोमोबाइल में करनी है, या आपने आईटी में करनी है बैचलर, या हेल्थ में करनी है, सप्लाई चेन, कुछ भी ऐसे कोर्स करने हैं, तो जर्मनी के लिए आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस कंट्री होनी चाहिए। अब क्योंकि जर्मनी में एपीएस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो सितंबर के बाद जो इनटेक है जनवरी है। अब सेकंड क्वेश्चन आपका हो सकता है कि हमें टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट जर्मनी जाना है पढ़ने के लिए, तो वो भी आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपने जर्मनी के लिए A2 लेवल या B2 लेवल, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ पर, अगर आपने उतना किया हुआ है जर्मन लैंग्वेज या 6.5 बैंड आईएलटीएस का किया, और 70-80% आपकी परसेंटेज है, अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, तो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी जो हैं, बहुत सारी हैं जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि आपको जस्ट 5.5 बैंड आईएलटीएस में ले लेती हैं। अब आपको करना क्या है, जब आपने अप्लाई करना, उसके बाद एपीएस सर्टिफिकेट, फिर ब्लॉक अकाउंट, और कोई फंड शो नहीं करने हैं, कोई इनकम नहीं दिखानी है। अगर फ्री है तो आपको जस्ट ब्लॉक अकाउंट खुलाना है। अगर मान लीजिए आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है और आपको पेड यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आप उनकी जो भी वन ईयर की फ़ीस दे दीजिए, कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना है, और आपका वीज़ा विदाउट इंटरव्यू स्टैम्प हो रहा है। तो ये इतने चेंजेस आए हैं जर्मनी में, क्योंकि उनको स्किल्ड प्रोफेशनल्स की बहुत ज़रूरत है। और इस टाइम अगर आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं तो मेरे ख्याल वर्ल्ड की किसी भी कंट्री से ज़्यादा आपकी जो पढ़ने की जो बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट एम्प्लॉयमेंट और सेटलमेंट की जो आपकी ज़रूरतें हैं, वो जर्मनी पूरा कर सकता है। अगर आप आईटी में हो, अगर आप हेल्थ केयर में हो, या इंजीनियरिंग में हो, या प्रोफेशनल स्टडीज़ में हो, तो आपकी इनकम अगर 39,600 समथिंग है, तो आप सीधा जर्मनी ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी ब्लू कार्ड के बाद आप 3 इयर्स में सेटलमेंट वहाँ पे ले सकते हैं। तो दिस इज़ सो ईजी। You can contact us 24/7 on the same number.
And for more information, anytime you people can be in touch with us. Thank you so much.